हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आरसीबी टीम अपना 8वां मुकाबला खेलने वाली है केकेआर के खिलाफ। ऐसे में इस मैच के लिए टीम की एक मजबूत प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, इसके बारे में ही सारा डिस्कशन आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। प्लेइंग 11 की सारी जानकारी आपको आगे मिल जाएगी, कौन से खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे, कौन से 11 खिलाड़ी होंगे, हर एक न्यूज़ आपको मिलेगी। तो भाई, अगर आप भी आरसीबी के फैन हो, दिल से सपोर्ट करते हो टीम को, तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर जो है ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा कर रख लेना, ताकि ऐसे ही आरसीबी टीम से जुड़ी आपको हर एक न्यूज़ लगातार मिलती रहे। वहीं दोस्तों, ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर यार उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर ही आपको आरसीबी टीम से जुड़ी हर एक न्यूज़ सबसे पहले सबसे तेज मिलती रहती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाओ, क्लिक करो, ज्वाइन कर लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएल 2023 में केकेआर और आरसीबी टीम जब आमने सामने होंगे, तो आरसीबी टीम का प्रयास यही होगा कि पिछले हार का बदला इनसे लिया जाए। पिछली बार आरसीबी जब केकेआर के घर में खेलने गई थी कोलकाता में, तब इन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब कोलकाता की टीम आरसीबी के घर में आ रही चिन्नास्वामी में, तो ऐसे में टीम के पास अच्छा मौका है बदला लेने का, इस साल का बदला भी ले लेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर ये मुकाबला जीत जाते हैं तो दो और अहम अंक मिल जाएंगे, जिससे टीम के 10 अंक हो जाएंगे। इसके बाद इन्हें 3 या 4 मुकाबले और जीतने होंगे प्लेऑफ में जाने के लिए। अब हम बात करेंगे केकेआर के सामने टीम की एक मजबूत प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो भाई, सबसे बड़ी खुशखबरी यही है जो मैं आपको हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, जॉश हेजलवुड केकेआर के सामने जो है आरसीबी टीम में वापसी करने वाले हैं, प्लेइंग 11 में इनकी एंट्री हो जाएगी, जैसा कि विराट कोहली ने बयान दिया था पिछले मैच में। इसके बाद दोस्तों, हम बात करें फाइनल प्लेइंग 11 की, तो कुछ इस प्रकार से हो सकती है। ओपनर्स होंगे इनके फैफ और विराट ही। फैफ एक बार हमें फिर से एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, नंबर 3 पर यहाँ पर बड़ी मुश्किलाहट आ रही है आरसीबी टीम के लिए, लेकिन इस मैच में आरसीबी टीम प्रभु देसाई को ट्राई कर सकती है, अगर बाई चांस जल्दी विकेट गिरता है तो। इसके बाद दोस्तों, नंबर 4 पर वहाँ पर खेलते हुए दिखाई देंगे मैक्सवेल, 5 पर शाहबाज, 6 पर दिनेश कार्तिक, 7 पर दोस्तों खेलते हुए नजर आएंगे हमें वनिंदु हसरंगा। इसके बाद दोस्तों, 8 नंबर पर खेलते हुए दिखाई देंगे हमें कर्ण शर्मा, जो कि महिपाल लोमरोर की प्लेस पर खेल सकते हैं। वहीं दोस्तों, 9वें नंबर पर हमें खेलते हुए दिखाई देंगे हर्षल पटेल, 10 पर खेलेंगे सिराज और 11वें नंबर पर डेविड विल्ली या फिर जॉश हेजलवुड खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि दोस्तों, मेरे हिसाब से यहाँ पर कर्ण शर्मा को टीम में लेके आना चाहिए महिपाल लोमरोर की प्लेस पर, क्योंकि उनका कुछ टीम में काम नहीं आ रहा है, बल्लेबाजी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जॉश हेजलवुड की एंट्री होगी डेविड विल्ली या फिर हसरंगा के प्लेस पर। यही में होने वाली है मेरे हिसाब से आरसीबी टीम की फाइनल प्लेइंग 11 केकेआर के खिलाफ मुकाबले के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।